उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर नमन करते हुए प्रदेश में कानून का राज होने की बात कही। उन्होंने कहा है कि आर्थिक रूप से हम दुनिया में नंबर एक पर आने के लिए काम कर रही हैं। यूपी के लोगों की जीडीपी बड़ी है। वहीं अखिलेश यादव के बयान पर कहा है कि अखिलेश यादव जब नेता विरोधी दल है तब भी जेल में जाकर अपराधियों को पलवित करने का काम कर रही हैं। वहीं मायावती के बयान पर कहा कि वो सीनियर नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलती है। भाजपा सरकार ने बाबा साहब के पंच तीर्थों का विकास करने का काम किया है। में आप देखेंगे और देश में देखेंगे, प्रति व्यक्ति आय लोगों की तेजी के साथ बढ़ी है, लोगों की क्रय क्षमता बढ़ी है और लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आया है। हर गरीब आदमी आम आदमी अपनी सरकार समझ रहा है। वो सीनियर नेता है और आप अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर के चलती है। जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अभी मोदी जी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पंच तीर्थों पर डेवलप करने का काम किया, किसी ने भी नहीं सोचा, चाहे इंग्लैंड का हो, चाहे मुंबई का हो, चाहे मध्य प्रदेश का स्थल हो, हर स्थल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को असली सम्मान देने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया। आमूलचूल परिवर्तन के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। विपक्षी दल सिर्फ जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर लोगों के बीच में वैमनस्यता फैलाकर वोट हासिल करने की जुगत में है, लेकिन प्रदेश के लोग जान चुके हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब जब सत्ता में रहती है गुंडे माफिया मवाली लुच्चे लफंगे सत्ता पर काबिज होते हैं, इनको संरक्षण मिलता है।